हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। एंड आई नो अभी आपको लग रहा होगा ये ममता जी आपकी लोकेशन कैसे चेंज हो गई। तो मैंने सोचा कि मेरा जो ये घर है वो मैंने आज तक आपको दिखाया ही नहीं। उसके कई रीजन्स है, क्योंकि घर काफी बड़ा है मेरा अबू धाबी में। इट्स 3 बेडरूम हॉल एंड किचन एंड 3 बाथरूम्स। तो पूरे का पूरा घर ना मैं एक साइड समेटती हूँ तो एक साइड इसकी बिखरी रहती है, जबकि मेरे पास क्लीनर्स भी हैं जो शाम को आते हैं क्लीनिंग करने के लिए। बट फिर भी आहान कुछ ना कुछ मैस मचा देता है और मुझे मैसी घर दिखाना अच्छा नहीं लगता। बट एनी हाउ, दिस इज माई हॉल। इधर सोफा पड़ा, फिर कभी आराम से आपको टूर कराऊंगी। लेकिन आज की वीडियो क्यों स्पेशल है, क्योंकि खाना खाना हम सबको पसंद है। अभी रमजान का मुबारक महीना भी चल रहा है, और उसके अलावा वैसे भी हम इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, चाहे बांग्लादेशी हैं, चाहे हम श्रीलंका से हैं, चाहे हम आई थिंक कहीं से भी, लोगों को खाना खाने का बड़ा ही शौक है। खाना खाने से ज्यादा आजकल लोगों ने घरों में नए नए खाने पकाने भी बहुत शुरू किए हैं। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी खाना पकाने का बहुत शौक है। एक ऐसी चीज जो मैंने कुछ साल यूज की थी अपने पुराने घर में, आपने मेरा खलीफा सिटी ए वाला घर देखा था, उसमें ये एक चीज मैंने यूज की थी जो मैं इंडिया से खरीद के लाई थी। जब मैं वो घर शिफ्ट कर रही थी, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था फ्लाइट्स के बीच में, और घर हमें इमिजिएटली शिफ्ट करना था, तो घर का बहुत सारा सामान हमने पीछे ही छोड़ दिया, ये सोच के कि चलो नए घर में जा रहे हैं, हम नए सोफे भी ले लेंगे, नए बेड भी ले लेंगे, हम फर्नीचर चेंज कर लेंगे। तो उस चक्कर में मैंने अपनी वो एक कीमती चीज, जो मुझे बाद में बड़ा पछतावा हुआ कि मुझे ले आनी चाहिए थी, वो मेरी उस घर में ही, उस सामान में भी छूट गई, जिसका नाम था एक इलेक्ट्रिक तंदूर। ये बाय द वे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है एट ऑल, ये मैं अपने दिल से आपके लिए बना रही हूं, और मैं चाहती हूं सब देखें, क्योंकि मैं आपको अपना प्रीवियस और अभी का दोनों एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। तो हुआ क्या, जो पहले वाला तंदूर मैं लाई थी, मेरे से गलती क्या हुई थी वो मैं गलती आपको जब मैं खोल के दिखाऊंगी तंदूर को तो तब भी बताऊंगी। गलती ये हुई थी कि उसकी एक वायर, जब हम प्लग करते हैं, प्लग करने के बाद वो तंदूर जब गर्म हुआ तो वो वायर तंदूर के साथ टच कर रही थी, और वो प्लास्टिक आपको पता है गर्म होके फट जाता है, तो यही हुआ था। तो वो तार गर्म हो गई थी तंदूर के साथ और वो फट गई थी, जिसके चलते उसमें मैंने बाद में जुगाड़ किया, दोनों तारों को जोड़ा, उसके ऊपर मैंने टेपिंग वगैरह करके, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल काम भी थोड़ा बहुत समझ आती है, क्योंकि मैं घर का काम, ट्यूबलाइट्स वगैरह घर पे छोटी थी तो खुद ही करती थी, सब कुछ चेंज करना, पंखे चेंज करना वगैरह वगैरह मुझे शौक है। तो मैंने क्या किया, वो तार को दोनों तरफ से काट के जोड़ के मैंने उसको फिक्स तो कर लिया, पर वो बुरा लगता था दिखने में, तो इसलिए भी मैंने उसको पीछे छोड़ दिया। सोचा कि चल क्या बात है यार, इतनी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, नए घर में जा रही हूं, आई विल ऑर्डर अ न्यू वन। और हुआ ये कि इस घर में आने के बाद जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो यूएई में ये तंदूर मुझे इस तरह का सेम टू सेम नहीं मिला। तो चलिए आगे की बातें तंदूर खोलते खोलते करेंगे, आपको और स्टोरीज बताऊंगी उसमें मैं क्या क्या बनाती थी। एंड जो लोगों को भी कुकिंग का शौक है, चाहे नहीं है, इसको देख जरूर लेना। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस टेबल के ऊपर, क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा है हाइट में, उधर मैं अपने हॉल में नहीं करना चाहती थी, तो आज हम अनबॉक्सिंग यहां करेंगे। लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो, गेट द तंदूर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो तंदूर मैं उठा के ले आई हूं, लेट्स जस्ट एडजस्ट द लाइट अ लिटिल बिट। इसको थोड़ा यहां पास ले आते हैं, आपको इसी बहाने मेरी पीछे की कलेक्शन भी नजर आनी शुरू हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड, लेट्स जस्ट पुट दिस वन डाउन। ठीक है जी, नजर आ रहा है। तो ये जी बड़ी सी जो पैकिंग आपको नजर आ रही है, ये वो इलेक्ट्रिकल तंदूर है, आपको थोड़ा तो समझ आ ही रहा होगा। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस लाइट एक्स्ट्रा वन, तो आपको अच्छे से नजर आएगा। अब आपको अच्छे से ये नजर आ रहा होगा। तो ये जो बॉक्स है ना, ये अभी मैंने पढ़ा है 8 किलो का बॉक्स है ये। सो दिस इज 8 kgs हैवी, और इसको मैं अपने ट्रेवल बैग में डाल के लाई हूं। आई होप यू गाइज कैन हेयर मी फ्रॉम फार, मैं अपना माइक भी नहीं लेके आई, आई थिंक यू कैन हेयर मी, आहान भी वैसे सामने गया हुआ है। सो ये जो बॉक्स है इट्स क्वाइट ह्यूज, लेट मी जस्ट शो यू, इतना बड़ा है अराउंड, काफी लंबा चौड़ा बॉक्स है। लेकिन इसको मैं अपने सूट केस में, जो फ्लाइट में मैंने बैग जमा कराया था, मैं उसमें डाल के लेके आई हूं, क्योंकि यूएई में ये नहीं मिलता, इंडिया से ही मिलता है, ऐसा सेम मुझे यहां नहीं मिला। लेकिन इसको क्योंकि मैंने यूज किया है तंदूरी रोटी के लिए, गार्लिक नान के लिए, गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, और पिज्जा बनाने के लिए, ये 4 या 5 चीजें, मिस्सी तंदूरी रोटी बनाने के लिए, ये सब कुछ मैं इसमें बनाती रही हूं खुद, इस वजह से मेरा मन किया कि मैं इसके बारे में आप सबके सामने जिक्र जरूर करूं। तो आज मैं इसको आप सबके सामने खोलूंगी
और दिखाऊंगी। बाय द वे, नो ऑब्लिगेशन ऑफ बाइंग द सेम ब्रांड। आप किसी भी ब्रांड का खरीदो, कुछ एक बस चीजों का ध्यान रखना कि उसका प्लग कैसा है, उसकी तार कैसी है और कितना वोल्टेज है और कितनी वॉट का है वो। बस ये चीजें देखिएगा, जितनी उसकी हीट ज्यादा होती है उतना बेहतरीन होता है, खाना जल्दी बनता है, तो उसकी हीट वगैरह का देख लेना, क्योंकि कम हीट वाले भी होते हैं, ज्यादा वाले भी होते हैं। ये 2200 वाट का है, ब्लैक कलर का है, एक यूनिट है और विदाउट टाइमर और विद टाइमर भी होता है, पर मुझे उसने बताया नहीं दुकान वाले ने, मैंने किसी दुकान से खरीदा है। एक्चुअली दिल्ली में तिलक नगर में एक दुकान है, मैं वहां से लेकर आई हूँ। आल बी ऑनेस्ट यू, अमेजोन में लास्ट टाइम मैंने एक इलेक्ट्रिक तंदूर खरीदा था जो लास्ट वाला था, तो जितने भी पैसे का था तब मैंने खरीद लिया था, तब मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए खरीद रही थी। लेकिन इस बार मैं, टाइम ज्यादा नहीं था क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो मैं छुट्टी पे जब अभी गई हुई थी तो मैं तब ये खरीद के लाई हूँ। तो इसको हम विदाउट फर्दर अडू खोल लेते हैं। ये हैवी है लाने में, तो ये है कि अगर आप इंडिया से इसको कैरी करके ला रहे हो तो मेक श्योर यू नो यू डोंट हैव एक्स्ट्रा बैगेज, तो इसको आप अपने बैग में भी डाल के ला सकते हो। तो ये काफी हैवी था यार, 8 किलो तो इसका ही वजन था, यू नो। तो चलो इसको खोलते हैं, शुभारंभ करें। एक्चुअली दूर बैठी हूं ना आपसे, थोड़ा फोन तो आई थिंक बोलती हूं तो थोड़ा गले में लग रहा है आवाज। पूरा दिखाऊंगी आपको आराम से, बस पेशेंस से आप देखो। और एक चीज आप याद रखना, कभी भी ममता सचदेवा आपको कोई गलत चीज कभी रेकमेंड नहीं करेगी। ये मैंने खुद यूज किया है अच्छे से, मेरी मदर इन लॉ भी ये वीडियो देख रही होंगी तो मम्मी आपको याद होगा मैंने आपको कितने तंदूरी रोटियां खिलाई हैं इस पे बना बना के फ्लाइट पे जाने से पहले पहले, तो आई एम श्योर मम्मी भी देखेंगे वीडियो, हंसेंगे। सो और बाय द वे, ये कभी बच्चों के कमरे में ना रखें क्योंकि बच्चे इससे अपना गला यू नो चोक कर सकते हैं। सो इसको मैं भी ध्यान से हाथ के आने से पहले फेंक दूंगी, नहीं तो इसको उठा के ले जाएगा वो। सामान थोड़ा सा दूर कर देती हूँ बाकी डाइनिंग टेबल का। सो लेट्स गेट दिस आउट। So, इस तरह से है ये। तो इसके साइड में इस तरह की कुशनिंग हुई हुई थी, तो आई थिंक उससे ये काफी सेफ रहा। ये इस तरह से खाली है, अब ये इसको बॉक्स को रख देते हैं। लेट्स सी अगर बॉक्स के ऊपर कुछ लिखा हुआ है काम का। इसका 2200 वाट है और 8 किलो अप्रॉक्स है, ठीक है, मेड इन इंडिया है ये। और इस तरह से इसकी लुक है, बाकी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर से क्या निकलता है, ठीक है। इसको रख देते हैं साइड में। सबसे अच्छी चीज इसकी तार है, जो इसकी तार के ऊपर अभी ये एक तरह से कुछ वूल सा कुछ कपड़ा सा है, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली टू से, बट ये थोड़ी सी पहले वाले से बेटर है क्योंकि पहले वाले का जो था तार वो प्लास्टिक का था, यू नो रबर प्लास्टिक जो भी बोलते हैं, रबर प्लास्टिक आई थिंक, ठीक है। तार इसकी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है तो आई थिंक मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन यूज करना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन है मेरे पास। और फ्रंट से आपको दिखा देती, लेट मी जस्ट ब्रिंग द कैमरा लिटिल बिट क्लोजर, तो मैं आपको आराम से ही दिखा देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं, अगर वीडियो हिल रही है तो कोई नहीं, आप आराम से देखो। तो ये इसका फ्रंट है, ये इसका नॉब है इसको ऑफ ऑन करने के लिए। एक मैसेज आया, लेट मी डिलीट दैट, ओके गॉन। सो इसको जब हम खोलते हैं ना, तो इसके अंदर से ये आपको नजर आएगा, इसके अंदर एक लीफलेट है जिसके ऊपर आई एम श्योर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। और इसके अंदर ना वो जो आपने देखा होगा जो घरों में यूज करते थे, क्या उसको बोलते हैं, गर्म करने के लिए हीटर्स, उसके अंदर जैसे लाइन लगी होती है वैसी लाइन है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर है इसका हैंडल, सो लेट मी सी। और ये ट्रेसी है जिसके ऊपर यू नो आप ग्रिल वगैरह कर सकते हो। और ये इस तरह से ट्रे है जिसके ऊपर रोटी बनती है, ये ट्रे है इस तरह से, आगे शीशा लगा हुआ है। इसका जो हैंडल है ना वो यहाँ पे लगेगा। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्विकली फिक्स द हैंडल। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देती, नहीं तो इसका हैंडल ना साथ में फिक्स कर लेते हैं, आप जरा पेशेंस रखो, साथ में ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है इसकी जो अंदर से एक्सेसरीज है, इसको खोल के देख ही लेते हैं। आ
आधा सामान तो जमीन पे गिर जाता है खोलते हुए है कि नहीं भैया? रियल रियल लोग आपको रियल चीजें दिखाएंगे जैसे होता है। मैं कुछ कांड छाट नहीं करने वाली इस वीडियो के साथ में। तो इसको हमने खोला है, ठीक है। इसके अंदर ये इसका हैंडल है जी, ये देख लो आप, ठीक है। ये हीट प्रोटेक्शन वाला नहीं होता बाय द वे, क्योंकि इतने कम पैसों में इतने वो नहीं मिलते, तो इसको अगर जैसे यूज करते हुए थोड़ा सा केयरफुली हाथ लगाना होता है। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ आराम से। और ये चार दी हुई है इन्होंने, आई थिंक ग्रिल वगैरह करने के लिए, सब्जियों को वो सीखे होती है ना जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सब्जियां वगैरह लगा के हम, या जो मीट है या जो भी लगाना है इसके ऊपर। तो ये चार ये निकली है इसके अंदर से, इसको साइड में रख देते हैं। एक ये बुक निकली है लीफलेट, इसके ऊपर आई थिंक कुछ रेसिपीज वगैरह होंगी। हाँ, रेसिपीज लिखी हुई हैं इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। तो इसके अंदर हिंदी में और आई थिंक इंग्लिश में रेसिपीज हैं, इसमें आप क्या क्या बना सकते हो। तो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है मटन टिक्का, सीख कबाब और बिस्कुटी रोटी, पनीर कुलचा, नान, पनीर टिक्का, भरवा करेले, भरवा शिमला मिर्च, ये सब भी बनता है। चलो मैं देखूंगी कैसे बनाते हैं भैया, इसको कैसे करते हैं। काफी रेसिपीज दी हुई हैं, आलू पनीर पराठा, पुदीना पराठा, मिस्सी तंदूरी रोटी, गोभी मसल्लम, सब कुछ इसमें बनता है। तो इसमें लीफलेट भी है और ये ट्रे है जिसके ऊपर आप यू नो ग्रिल वगैरह कर सकते हो वेजिटेबल्स या जो भी। बाकी मैं रेसिपीज देखूंगी, मैं भी मेन मेन चीजें जो मैंने आपको बताई है मैंने वही बनाई है इन द पास्ट, मैंने ये सब कुछ नहीं बनाया इतना सारा कुछ। तो ये ट्रे निकली है, ठीक है जी। अभी इसका ये जो हैंडल है, यहाँ पे दो होल है, ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली अटैच हो जाएगा इस तरह से। इसको मैं करके फिर आपको वीडियो कंटिन्यू करके बताती हूँ। बाय द वे मैं बात करते करते भी तो कर ही सकती हूँ ना। तो इसके पेज हैं, पेज खोल लो दोनों। इसमें बड़ा कुछ मेहनत का काम है, बड़ा आसान सा काम है ये, ठीक है। तो इसको हमने लगाना इस तरह से है कि ये हैंडल इस तरह से आए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि ममता जी किसी और से काम करवा लेती हैं। ममता जी अपने काम खुद करना पसंद करती हैं, ममता जी का यही स्टाइल है। मैं टेबल पे अभी बैठ गई हूँ अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर, ठीक है जी। और मुझे घर का काम करना, ये सारे उल्टे पुल्टे काम करना मुझे बड़े पसंद है। मैं तो, मेरा बस चलता था अपनी कंपनी खोल लूँ दूसरों घर में भी काम करने की ऐसे। ये थोड़ा सा फिटिंग डिफरेंट है, लेट मी सी, एक तो लगाऊं कम से कम, एक पेज मैंने लगा लिया। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बता देना मुझे, ठीक है जी। एक पेज मैंने लगा दिया और एक थोड़ा फिटिंग ना होल डिफरेंट जगह पे है थोड़ा सा, और फिटिंग डिफरेंट है, तो उसको मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे बेलन के साथ इसको मारना पड़ेगा कुछ चीजें। और कुछ लोग ना जब तक उनको पिटाई ना हो ना वो लोग सुधरते नहीं है, तो ये इसकी भी पिटाई करके लाई हूँ मैं, क्योंकि इसका होल थोड़ा सा टेढ़ा था। तो फिर मैंने एक सीजर ली छोटी वाली, उसको होल के अंदर डाल के उसको घुमाया और उसका होल जो है मैंने सीधा किया। और इसको अभी हम पेज को कर रहे हैं फाइनली बंद सेकेंड वाले को, एंड दिस ट्रे इज रेडी टू यूज। ये हैंडल बेसिकली इस तरह से होल्ड होके इसको अंदर बाहर करते हैं। तो ये आ गया हमारा कुकर, लेट मी जस्ट पुट द कैमरा लिटिल डाउन फॉर यू सो दैट यू गाइस कैन सी प्रॉपरली। नाउ फोकस ऑन दिस, ओके। तो बेसिकली ये जो ट्रे है इसके ऊपर हम रोटी रखते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरह से अंदर डालते हैं, ठीक है। तो ये इसका हैंडल इसको अंदर बाहर करने में हेल्प करता है, लेकिन हैंडल गर्म हो जाता है, सो प्लीज यूज द यू नो एनी कपड़ा और समथिंग टू होल्ड। ये जो इसका नॉब है इसमें ऑन ऑफ है, ठीक है। आपको खाली टॉप को गर्म करना है कि खाली बॉटम को गर्म करना है, कि ऊपर से हीट चाहिए कि खाली ही नीचे से चाहिए, और दोनों से चाहिए तो नीचे है। तो बेसिकली मैंने तो जब इसको यूज करा है तो इसको नीचे करके करा है मैंने यूज इस नॉब को। लेट मी शो यू क्लोजली। तो ये इसके नॉब्स आपको दिख रहे होंगे ना, तो ऑफ है, बॉटम है, टॉप है और दोनों है। तो इस पे टाइमर नहीं है, तो ये बिना टाइमर वाला है, सो आपको टाइम का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। टाइमर तो यार आजकल फोन में भी लग जाते हैं, तो आप फोन पे भी टाइमर अपना यूज कर सकते हो। लेट मी पुट इट बैक एंड लेट मी पुट दिस अप। आज ममता सचदेवा जी की वीडियो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई लोकेशन।
सो प्लीज फॉरगिव मी, बट इट्स ओके, मजा आ रहा है। आप बताना बाकी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। सो दैट्स इट। तो इसके ऊपर आई थिंक कुछ भी ग्रिलिंग श्रिलिंग करनी हो या कुछ भी मीट वगैरह बनाना हो जिन्होंने वेजिटेबल्स, मैं तो खैर वेजिटेरियन खाना ही बनाती हूँ घर में, तो इसके ऊपर पनीर टिक्का ये वो चीज़ जो भी है। और बाकी ये किताब किस लिए है, ऑनलाइन रेसिपीज किस लिए निकालेंगे और करेंगे। एंड वन चीज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ, ये गर्म बहुत हो जाता है जब आपने इसको प्लग करना है ना, तो मेक श्योर करना इसकी तार इसके किसी पार्ट को टच ना करे, सिर्फ जहां से ये लगी हुई है तार वहां से इसको बस टच होना है, बाकी ये बहुत गर्म हो जाता है। तो आपको किचन में इसको रखना भी किसी ऐसी जगह पे है जहां पे आसपास प्लास्टिक का सामान ना हो, और जब इसको यूज करें थोड़ा केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ा देसी जुगाड़ टाइप है, और जब हम इसको यूज करते हैं इसकी हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो हाथ जलने का खतरा है। तो प्लीज अपना हाथ बचा के, और साइड में कोई ऐसा सामान ना हो जो जल जाए, स्पेशली वायर इसके गर्म तंदूर को कहीं टच ना कर रही हो लगातार, नहीं तो तार फट जाएगी अंदर से, कोई फायदा नहीं है। एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं क्योंकि यूएई में इस तरह के प्लग लगाने की जगह नहीं होती, हमारे यहाँ प्लग्स डिफरेंट होते हैं, तब मुझे पहले तो एक प्लग लेना पड़ेगा जिसमें ये जाएगा और फिर हमारे वाले प्लग में जाएगा। यूएई में ये प्लग्स नहीं चलते, ये फिटिंग्स नहीं होती यहाँ पे। इंडिया में भी आई थिंक ये बड़ी जैसे फ्रिज की फिटिंग्स होती हैं वैसा फिटिंग है, तो इसके लिए एक स्पेशल प्लग आता है, वो मुझे कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ेगा, आई थिंक 10 dirhams का आ जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट साइड, इस पे मैंने तंदूरी रोटियां, बटर नान, गार्लिक नान और मिस्सी तंदूरी रोटी, गार्लिक ब्रेड आपको जैसे बताया, पिज्जा, ये सारी चीजें मैंने खुद खूब बनाई हैं, क्योंकि अच्छे से गर्म हो जाता है फटैक से, और आप ये सारी चीजें तो घर पे बना ही सकते हो। बाकी आई ट्राई टू मेक सम ऑफ दिस एज वेल एंड पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। आप लोग आई होप मुझे फॉलो करो मेरे इंस्टाग्राम पे, ट्रैवल विद ममता, प्लीज कर लो यार फॉलो, बहुत टाइम से मेरी ग्रोथ ही रुक गई है वहां पे, पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम को किसकी नजर लग गई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। एंड आज का ये ओपन बॉक्स वीडियो आपको कैसा लगा, और जिनको कुकिंग का शौक है प्लीज मुझे लिख के बताइएगा, अगर आप भी इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो, बट प्लीज केयरफुल रहिएगा क्योंकि गर्म बहुत होता है, तो बच्चे आसपास नहीं होने चाहिए जब आप इसको यूज कर रहे हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ विदा, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।